वहीं नेवई पुलिस ने मारपीट कर दो युवकों से लूट करने वाले चार आरोपियों को घटना के 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 20 जनवरी की रात रुआबांधा सेक्टर निवासी हिमांशु बंजारे ने उसके और अपने दोस्त के साथ मारपीट कर लूट की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 20 जनवरी की रात उसके दोस्त प्रेम धुरंधर का फोन आया। उसने मिलने के लिए आजाद मार्केट डिसाली स्थित होटल ब्लू हेवन में बुलाया था। रात 11 बजे के करीब हिमांशु अपने दोस्त दुर्गेश के साथ वहां पहुंचा तो वहां पहले से प्रेम के साथ मौजूद अमृत सिंह, जसवीर सिंह और गोपी खड़े थे, जिसने उसकी पुरानी रंजिश थी। हिमांशु के पहुंचते ही उन लोगों ने उससे गाली गलौज कर मारपीट करनी शुरू कर दी। इस मारपीट के दौरान हिमांशु के गले से सोने की चैन, लॉकेट और 800 रुपए नगद तथा दुर्गेश के गले से चांदी की चैन और सोने का लॉकेट लूट कर आरोपी भाग खड़े। दिनांक 20/1/2022 को रात्रि करीब 11 बजे प्रेम धुरंधर अपने अन्य साथी अमृत सिंह, गोपी सिंह, जसवीर के साथ आजाद मार्केट रिसाली के पास खड़े थे और प्रेम धुरंधर ने फोन करके हिमांशु बंजारे और को बुलाया तो हिमांशु बंजारे अपने साथी दुर्गेश यादव के साथ वहाँ पहुँचा। उसी समय इनमें विवाद हुआ किसी बात को लेकर के, तो प्रेम धुरंधर अपने साथियों के साथ जो खड़ा था तो उसने जो है उनके साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया और हिमांशु बंजारे के गले से सोने की चैन और 800 रुपये और दुर्गेश यादव के गले से चांदी की चैन जो पहना था जिसमें सोने का लॉकेट लगा हुआ था वो छीन करके भाग गए थे। दुर्गेश हिमांशु बंजारे की रिपोर्ट पर थाना नेवई में जो है अपराध लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया और इनकी आरोपियों की पता साझी की गई। उनसे जो है सोने की चैन, चांदी की चैन जिसमें लॉकेट लगा था और 800 रुपये बरामद कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।